तो दोस्तों रिसेंटली खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका की कंपनी बोइंग इंडिया में अपनी एक न्यू प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च करने वाली है। इनका जो ऑलरेडी जॉइंट वेंचर है विद टाटा, जिसका नाम है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, तो यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर बोइंग 737 के फैमिली के ही एयरप्लेन्स के कुछ कंपोनेंट्स को इंडिया के भीतर मैन्युफैक्चर करेंगे। और इस एक्सपेंशन प्लान को एक काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के तौर पे देखा जा रहा है टुवर्ड्स इंडिया सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस जॉइंट वेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुकरण सिंह जी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो एक्सपेंशन प्लान है ऑफ एरोस्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, जहाँ पर हम न्यू प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च करने जा रहे, तो अगेन ये हमारे लिए एक काफी बड़ा न्यू लैंडमार्क होगा। तो अब ये जो एक्सपेंशन प्लान है वो तेलंगाना में होगा, और यहाँ पर ये कहते हैं कि तेलंगाना में ऑलरेडी इंडियाज डिफेंस हॉटबेड तैयार हो चुके हैं, ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तेलंगाना में लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड और इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है। अब ये जो एक्सपेंशन प्लान है इससे और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, जिससे स्किल डेवलपमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वैसे बता दें कि यहाँ पर वर्टिकल फिन स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोई भी एयरक्राफ्ट का, और इसे ही अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर बनाया जाएगा। वैसे ऑलरेडी ये जॉइंट वेंचर इंडिया के भीतर कई सारे एरो स्ट्रक्चर्स, जिसमें शामिल है बोइंग AH-64, अपाचे हेलीकॉप्टर, इंक्लूडिंग फ्यूजलेजेस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, वर्टिकल स्पेयर बॉक्सेस, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जा रही है और इन्हें वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ये सब इनके 14,000 स्क्वायर मीटर में फैले स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाया जाता है। फाइनली यहाँ पर कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं कि यहाँ पर स्किल टैलेंट, रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईली रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजों की वजह से ही तेलंगाना आज एक आइडियल डेस्टिनेशन हमारे लिए बन चुका है।